नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आइए आज बिहार के 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो फटाफट से सभी कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और अपने तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं राज्य में कोरोना अपडेट को लेकर। तो बिहार में पिछले 24 घंटों में 912 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित संख्या बढ़कर 205,124 तक पहुंच गई है। बिहार में फिलहाल 11,533 लोग कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। वहीं अगर राजधानी पटना में कोरोना की बात करें तो सबसे ज़्यादा 253 मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि पिछले घंटों में कोरोना से 6 लोगों की जान चली गई है। वहीं अब तक कुल मरने वालों की संख्या राज्य में तक बिहार के लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि महज 24 घंटे के भीतर 1,079 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। अगली बड़ी खबर, दानापुर मंडल के पटना जंक्शन राजेंद्र नगर टर्मिनल और पाटलिपुत्र जंक्शन से 19 अक्टूबर से 14 पूजा स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत होगी। ये ट्रेनें दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए 30 नवंबर तक चलेगी। इसके लिए तीनों स्टेशन पर पहले से चल रही व्यवस्था में कुछ बदलाव किया गया है। आइए जानते हैं कौन कौन से ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। तो सबसे पहले पाटलिपुत्र चंडीगढ़ स्पेशल हफ्ते में 2 दिन बुधवार और रविवार को चलेगी। वहीं पटना जम्मू तवी स्पेशल 20 अक्टूबर से शुरू होगी और हफ्ते में 2 दिन मंगलवार व शनिवार को चलेगी। राजेंद्र नगर अजमेर स्पेशल 21 अक्टूबर से हफ्ते में 1 दिन बुधवार को चलेगी। पाटलिपुत्र यशवंतपुर स्पेशल 23 अक्टूबर से हफ्ते में 1 दिन शुक्रवार को चलेगी। राजेंद्र नगर हावड़ा स्पेशल 20 अक्टूबर से प्रतिदिन चलेगी। पटना छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्पेशल 21 अक्टूबर से हफ्ते में 2 दिन बुधवार और रविवार को चलेगी। राजेंद्र नगर नई दिल्ली मसफर एक्सप्रेस स्पेशल 19 अक्टूबर यानी सोमवार से प्रतिदिन चलेगी। पटना वास्को डिगामा स्पेशल 24 अक्टूबर से हफ्ते में 1 दिन शनिवार को चलेगी। वहीं पटना बांद्रा टर्मिनल हमसफर एक्सप्रेस स्पेशल 22 अक्टूबर से हफ्ते में 1 दिन गुरुवार को चलेगी। पटना पूर्ण स्पेशल 25 अक्टूबर से हफ्ते में 1 दिन रविवार को चलेगी। वहीं पटना पूरी स्पेशल 28 अक्टूबर से हफ्ते में 1 दिन बुधवार को चलेगी। वहीं पटना बांद्रा टर्मिनल स्पेशल 28 अक्टूबर से हफ्ते में 1 दिन बुधवार को चलेगी। राजेंद्र नगर इंदौर स्पेशल 23 अक्टूबर से हफ्ते में 2 दिन बुधवार और शुक्रवार को चलेगी। और अंत में राजेंद्र नगर इंदौर स्पेशल 26 अक्टूबर से हफ्ते में 1 दिन सोमवार को चलेगी। नीतीश कुमार ने तेजस्वी के कैबिनेट की पहली कलम से 10 लाख नौकरियां देने के वादे पर निशाना साधा है। गया के शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा के दौरान सोमवार को तेजस्वी पर हमला बोलते हुए कहा, वो कहते हैं 10 लाख नौकरियां देंगे, अरे पेशवा एलना कहां से आएगा तोरा, ये सब संभव है क्या, बताइए, कहीं ऐसा ना हो नौकरियां देने के नाम पर अपने ही धंधा ना शुरू कर दे। तेजस्वी के अनुभव पर चुटकी लेते हुए कहा कि कहने से कुछ नहीं होता है, उन्हें काम करने का कोई अनुभव नहीं है, 15 साल में कितना नौकरी दे दिए ये सब जानते हैं, हमने 6 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी दी है, विकास मित्र टोला सेवक तालीमी मरकजा और स्वयं सेवकों के माध्यम से लोगों को रोजगार दिया है। बिहार चुनाव में उत्तरी द प्लुरल्स पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी के प्रेजेंटेटिव पुष्पम प्रिया बाकीपुर सीट से प्रत्याशी है और भावी सीएम कैंडिडेट भी। प्लुरल्स ने 8-8 बिंदुओं में कई श्रेणियों में अपनी बात कही है। आइए जानते हैं उनके घोषणा पत्र में क्या क्या कहा गया है। तो सबसे पहले नौकरशाही की कार्य प्रणाली सोच में बदलाव, उसके बाद पुलिस में आमूल चूल बदलाव, एजुकेशनल रिफॉर्म, हेल्थ रिफॉर्म, शराबबंदी की समाप्ति, सभी प्रकार की वीआईपी सुविधाएं, सभी गांव शहर मोहल्ले टोले चौके चौराहे ट्रांसपोर्ट पे चप्पे चप्पे सीसीटीवी कैमरा, सरकारी सेवा में भ्रष्टाचार पर कठोरतम कार्रवाई और लोग सर्वोपरि का सिद्धांत, उसके बाद 8 डेवलपमेंट ग्रोथ जोन का विकास, प्रत्येक डेवलपमेंट जोन में 8 औद्योगिक जोन की स्थापना, कृषि को उद्योग का दर्जा, हर जोन में 1 लाख स्टार्टअप, हर जोन में फ्लड एंड इरिगेशन मैनेजमेंट सिस्टम, प्रत्येक जोन में लर्निंग के 8 स्टेट ऑफ द आर्ट के शिक्षा केंद्र, प्रत्येक वार्ड और पंचायत में 8 बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, गरीबी रेखा से नीचे परिवार को जीवन की 8 बुनियादी सुविधा।
राष्ट्रीय जनता दल के नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने सोमवार को नीतीश कुमार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार ने चिराग पासवान के साथ जो किया वह ठीक नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि चिराग पासवान को अपने पिता की जरूरत पहले से ज़्यादा इस समय है। उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान जी हमारे बीच नहीं है और हम इससे दुखी हैं। नीतीश कुमार ने चिराग पासवान के साथ जो किया वो एक अन्याय है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनावी जनसभा आज यानी 20 अक्टूबर से शुरू होगी। भाजपा के स्टार प्रचारक योगी पहली जनसभा कैमूर में दोपहर के 12 बजे से होगी। इसके बाद वे अरवल और रोहतास में एनडीए के उम्मीदवार के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संदिग्धों, अपराधियों, हथियार व शराब तस्करों की घर पकड़ के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। कोई भी अपराधी बचकर निकल ना पाए इसके लिए रविवार को पूरे शहर को छानबीन में बदल दिया है। शहर के सभी थाना क्षेत्रों में चौक चौराहों पर स्टैटिक टीम के साथ सीआरपीएफ के जवान भी उतर पड़े हैं। इसके साथ ही सड़क से गुजर रहे वाहनों को रोक रोक कर जाँच शुरू कर दी है। इस दौरान बाइक और कार के डिक्की खुलवाकर जाँच की गई और उसमें सवार लोगों की सघन रूप से तलाशी ली गई। हालांकि देर शाम तक चली वाहन चेकिंग में कोई संदिग्ध अपराधी व तस्कर पकड़ा नहीं जा सका था। अगली बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव का प्रचार शुरू हो गया है। सभी दलों के स्टार प्रचारक अलग अलग क्षेत्रों में जनता के बीच रैली और जनसभा कर रहे हैं। वहीं प्रचार के बीच पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों में अलर्ट जारी किया है। पुलिस मुख्यालय ने सभी डीएम और एसपी को अलर्ट कर पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और तेजस्वी यादव के रैली पर आतंकी हमले का खतरा है। पुलिस मुख्यालय ने अपने पत्र में कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी, डिप्टी सीएम सुशील मोदी के रैली में कोई अनहोनी हो सकती है, इसलिए इन नेताओं के रैली में अतिरिक्त चौकसी बरती जाए। इसके अलावा सीएम नीतीश कुमार और राजद नेता तेजस्वी यादव के रैली को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। गया में भैंस पर सवार होकर चुनाव प्रचार करना एक प्रत्याशी को महंगा पड़ गया। जी हां, सिविल लाइन्स थाने के पुलिस ने प्रत्याशी को गिरफ्तार भी कर लिया है। उसके विरुद्ध पशु अत्याचार सहित अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। सिविल लाइन्स इंस्पेक्टर उदय कुमार ने बताया कि पूछताछ के बाद उनको बेल दे दिया गया है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय उमेला काउंसिलिंग के उम्मीदवार परवेज मंसूरी रविवार को स्वराजपुरी रोड में भैंस पर सवार होकर घूम रहे थे। अगली बड़ी खबर, दुर्गा पूजा के कारण कोर्ट में 22 से लेकर 30 अक्टूबर तक अवकाश रहेगा। इस दौरान बेहद जरूरी न्यायिक कार्य होंगे। जिला व सत्र न्यायालय, फैमिली कोर्ट, सभी एडीजे, विशेष अदालत व फास्ट ट्रैक कोर्ट से संबंधित अति महत्वपूर्ण न्यायिक कार्य 22 व 23 अक्टूबर को एडीजे 9 संजीव कुमार पांडे, 24 व 25 अक्टूबर को एडीजे 13 उमेश मणि त्रिपाठी, 26 अक्टूबर को एडीजे 16 संकाश चंद्र, 27 व 28 अक्टूबर को एडीजे 4 पुनीत कुमार गर्ग और 29 और 30 अक्टूबर को एडीजे 8 दीपक कुमार संचालित करेंगे। अगली बड़ी खबर आपके साथ होने वाली धोखाधड़ी को लेकर है। जी हां, पटना में बस स्टैंड के पास सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। आपको झांसा में लेकर ऑटो और कैब ड्राइवर आपके साथ लूटपाट कर सकते हैं। कभी भी अनजान लोगों के साथ शेयरिंग कैब या ऑटो लेने की गलती कतई ना करें। पटना पुलिस ने मीठापुर बस स्टैंड के पास से यात्रियों को टारगेट कर लूटपाट करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इन दोनों से पूछताछ के दौरान पुलिस को कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। गिरफ्तार किए गए अपराधियों में छपरा के 45 साल के बाकाडोम और सारण का रहने वाला 40 साल का दिनेश राम शामिल है। आरोपियों ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि मीठापुर के अलावा ये पटना जंक्शन के करबेगिया छोर से आने वाले यात्रियों को टारगेट करते हैं। बाकाडोम खुद यात्री बनकर परिसर में घूमता था और भोले भाले लोगों को शेयरिंग और भाड़ा कम के नाम पर स्कॉर्पियो में बैठाता था और शहर से निकलते ही लूटपाट करने के बाद गाड़ी से नीचे फेंक कर फरार हो जाता था। बिहार विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी दल के नेताओं को काफ़ी फजीहत हो रही है। जी हां, नीतीश के मंत्री हो या विधायक, उन्हें लगातार जनता की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। ताज़ा मामला समस्तीपुर जिले का है, जहां नीतीश सरकार के योजना विकास एवं उद्योग मंत्री महेश्वरी हाजरी को जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ा। चुनाव प्रचार करने निकले मंत्री जी को लोगों ने गंदी गंदी गाली देकर गाँव से खदेड़ दिया।
बिहार चुनाव नजदीक है और इस बीच पार्टियों में उलटफेर का काम लगातार जारी है। राजद के एक प्रत्याशी ने जाप का दामन क्या थामा, इसके तुरंत बाद रामविलास पासवान के करीबी और लोजपा के खास आरके चौधरी ने राजद का दामन थाम लिया। आरके चौधरी के राजद में चले जाने से एलजेपी को एक बार फिर से झटका लगा है। आपको बता दें कि दरभंगा जिले के बहादुरपुर सीट से लोजपा और रामविलास पासवान के करीबी रहे आरके चौधरी ने एलजेपी का दामन छोड़कर आरजेडी का हाथ थाम लिया है। गया से पटना जाने वाले रेल यात्रियों के लिए खास खबर है। जी हां, 18 अक्टूबर से गया पटना रेलखंड पर दो जोड़ी पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है। इस संबंध में हाजीपुर के जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि 18 अक्टूबर से अगले आदेश तक दो जोड़ी मेमू पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। आपको बता दें कि गाड़ी संख्या 63255 पटना गया मेमू पैसेंजर ट्रेन पटना से शाम 6:30 खुलेगी और रात को 9:30 गया पहुंचेगी। वही गाड़ी संख्या 03212 गया पटना मेमू स्पेशल गया से 8:30 खुलकर 11:30 पटना पहुंचेगी। गाड़ी संख्या 03353 पटना गया मेमू ट्रेन पटना से 8:00 खुलकर 11:00 गया पहुंचेगी और गाड़ी संख्या 03354 गया पटना मेमू स्पेशल ट्रेन गया से 6:15 शाम को खुलेगी और 9:15 रात में पटना पहुंचेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दावा किया कि बिहार में कांग्रेस 50 से अधिक सीटें जीतेगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। उसके बाद महागठबंधन के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में जो भी वादे किए गए हैं उसे शब्दशः लागू किया जाएगा। कांग्रेस जो कहती है उसे करती है। देखना हो तो एक बार छत्तीसगढ़ जरूर जाएं। वहां किसानों से गोबर तक 2 रुपये किलो सरकार खरीदती है और हर किसान को सरकार 10,000 रुपये प्रति एकड़ देती है। समर्थन मूल्य पर अनाज भी खरीदती है। 19 लाख किसानों का 10,000 करोड़ रुपये माफ किया गया है। बिहार में तो अनाज की तय सरकारी कीमत भी नहीं मिलती है। तो इसी के साथ ही आज के समाचार में इतना ही। डेली बिहार की बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बिहारी मीडिया को जरूर सब्सक्राइब